तो गाइस देखो सीएस रैंक तो आप लोग खेलते ही रहते हो, मुझे गाइस पता है। बट गाइस देखो जब भी आप लोग सीएस रैंक खेलते हो ना, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि गाइस देखो गन कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत सारा गन है, तो गाइस आप लोग लिटरली सोचते हो कि हमें कौन सा गन लेना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो अलग अलग राउंड में ज्यादातर अलग अलग गन काम के आते हैं। तो गाइस देखो मैंने इस वीडियो में मैं आप लोग टॉप 10 ऐसे गन बताऊंगा जो गाइस आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो और अलग अलग सिचुएशन में आप लोग यूज कर सकते हो। कौन से सिचुएशन में आप लोग कौन सा गन यूज करना है गाइस मैं आप लोग को सब कुछ बता दूंगा। अगर आपके पास स्किन है तब गाइस आप लोगों को कौन सा गन यूज करना है, अगर आप लोगों के पास स्किन नहीं है तब गाइस आप लोगों को कौन सा गन यूज करना है, सब कुछ गाइस मैं आप लोगों को ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है ना बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, तो गाइस फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का जो लाइक हम रखते हैं वो 7000 लाइक, गाइस फटाफट 7K लाइक जरूर से करा देना यार, जो जो मतलब क्लैश कॉल लवर हो फटाफट गाइस लाइक कर दो और अपने हर एक दोस्त के साथ भी गाइस जरूर से शेयर कर देना। और गाइस आप लोग क्या कर रहे हो यार, मुझे पता है आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, क्या कर रहे हो भाई, फटाफट 500K के करना है यार। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और गाइस देखो मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ अभी एक ग्लिच हो रहा है, मतलब जो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, अगर आप लोगों के पास मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस ओपी वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो मैं आप लोगों को टॉप 10 गन बताऊंगा, तो एकदम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर पे जो गन आता है उसका नाम है ग्रोजा। अब गाइस देखो ग्रोजा जो गन है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा गन है, बट इस गन में दिक्कत क्या है, अगर कोई बंदा मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में आ जाता है ना तब गाइस इसका जो रेट ऑफ फायर है थोड़ा सा कम है, तो गाइस आप लोग हैंडल इजीली नहीं कर पाओगे। बट ये गन गाइस लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आपके पास कोई भी गन स्किन नहीं है, आप लोग विदाउट गन स्किन खेलते हो, आप लोगों को मतलब उतना वन टैप देना नहीं आता और आप लोग ज्यादा लॉन्ग रेंज में खेलते हो ना, तब ये गन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब फायदे में दे सकता है, फायदा देगा आप लोगों को। एक गोली में गाइस नॉक भी हो जाएगा, 203 का हेड लगता है, मतलब ज्यादातर केस में लगता है। तो गाइस आप लोग ये ग्रोजा जरूर से यूज कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग रेंज प्लेयर हो तो, और अगर आपके पास कोई भी स्किन नहीं है तो। गाइस देखो जो 9 नंबर गन है ना उसमें गाइस एक गन नहीं है, दो दो गन है, वो है गाइस MP40 या फिर P90। अब गाइस देखो अगर आपके पास स्किन है तो गाइस आप लोग इन दोनों गन में से कोई भी गन ले सकते हो। MP40 का जो रेट ऑफ फायर है अगर आप लोग स्किन लगाते हो तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, वरना विदाउट स्किन MP40 एकदम टट्टी है, फालतू है। बट P90 जो गन है ना वो गाइस विदाउट स्किन भी अच्छा खासा चल जाता है, तो गाइस आप लोग इन दोनों गन में से कोई भी गन ले सकते हो अपना पसंदीदा गन अगर आपके पास अच्छा खासा स्किन है तो। और आप लोग मेरे को बता दो आपके पास MP40 का स्किन है या फिर P90 का स्किन है, तो इन दोनों गन को गाइस मैंने 9 नंबर पे रखा है। इसके बाद गाइस देखो जो 8 नंबर गन है ना, देखो जो 8 नंबर गन है ना वो है पैराफिल। अब गाइस देखो पैराफिल काफी ज्यादा अच्छा गन है, अगर आप लोगों का हेडशॉट लग जाता है तो गाइस वुडपेकर में जैसे होता है एक गोली में हेडशॉट में बंदा नॉक हो जाएगा, वैसा ही गाइस पैराफिल में भी होता है, मतलब अगर आप लोगों का 200 के ऊपर हेडशॉट लग गया तो। काफी ज्यादा अच्छा गन है, मतलब AR गन में से काफी ज्यादा अच्छा गन है SL राइफल में से, तो गाइस आप लोग जरूर से पैराफिल कभी यूज कर सकते हो, वन टैप जैसा ही चलता है। और इसमें गाइस यही प्रॉब्लम है कि रेट ऑफ फायर कम है, तो कोई बंदा शॉर्ट रेंज में आ गया या फिर मिड रेंज में आ गया तो गाइस आप लोग संभाल नहीं पाओगे, आप लोगों को लॉन्ग रेंज में खेलना है इस गन से। गाइस देखो जो 7 नंबर गन है वो है M1887। अब गाइस देखो पहले के टाइम में M1887 कितना ज्यादा बवाल चलता था आपको तो पता ही है, दो गोली में बंदा नॉक हो जाता था, बट अभी के टाइम में गाइस दो गोली में बंदा नॉक नहीं होता, आप लोगों को मिनिमम 3 गोली तो मारना ही पड़ेगा तभी बंदा नॉक होगा, तो गाइस इसी वजह से मैंने इसको 7 नंबर पे रखा है। वैसे गाइस अगर आपके पास स्किन है तो गाइस आप लोग जरूर से स्किन यूज कर सकते हो, वन पंच मैन हो गया, ट्रॉपिकल पैरेट हो गया, ये सब स्किन काफी ज्यादा अच्छा है, तो गाइस आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो। गाइस देखो जो 6 नंबर पे गन आता है वो है UMP। अब गाइस देखो UMP भी काफी ज्यादा अच्छा गन है, मतलब आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो, इसके पास अगर आप लोगों को आटा ओवर वाला स्किन हुआ, UMP का आटा ओवर वाला स्किन हुआ तो गाइस आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा देगा, ओनली रेड रेडी पड़ता है, मतलब रेट ऑफ फायर ज्यादा है ना उस स्किन में, तो गाइस आप लोगों को फायदा दे सकता है। और ये गन गाइस मिड रेंज में भी काफी ज्यादा अच्छा चलता है और गाइस आप लोगों को शॉर्ट रेंज में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो गाइस आप लोग जरूर से UMP का यूज कर सकते हो। और मैं तो गाइस मतलब विदाउट गन स्किन चलाता हूं, मेरे को गाइस काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आप गाइस जरूर से रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन यूज करना। और गाइस देखो जो जो मैं आप लोगों को लिस्ट बता रहा हूँ ना ये गाइस मेरे हिसाब से बता रहा हूँ और ज्यादातर ये करेक्ट होगा, आप लोग भी गाइस रिलेट कर पा रहे होंगे, आप लोग गाइस जरूर से अपना रिक्वायरमेंट्स देख के गाइस आप लोग गन सिलेक्ट करना है। गाइस देखो जो 5 नंबर गन है वो है गाइस AWM। अब AWM कितना ज्यादा ओपी गन है मेरे को आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, 150 मारोगे बंदा ऐसे ही नॉक हो जाएगा, मतलब दो शॉट आप लोगों को कनेक्ट कर देना है बंदा ऐसे ही नॉक हो जाएगा, और एक शॉट गाइस कनेक्ट करोगे तो बंदे का आधे से ज्यादा हेल्थ ऐसे ही उड़ जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग AWM चलाना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को ऑलवेज लॉन्ग रेंज फाइट ही लेना है, और ट्राई करना गाइस आप लोग मतलब एक AWM ले लो उसके साथ एक SMG गन ले लो, कोई भी UMP ले सकते हो, इन दोनों गन का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो गाइस क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए आप लोग जरूर से AWM का यूज कर सकते हो।
गाइस देखो जो फोर्थ नंबर गन है वो है मैक 7। अब गाइस देखो मैंने इस गन को फोर्थ नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि गाइस देखो ये जो शॉर्ट गन है ना ये बेसिकली शॉर्ट गन है और ये गन गाइस ये गन चलाने के लिए आप लोग कोई भी स्किन का जरूरत नहीं पड़ेगा। विदाउट गन स्किन भी आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा चला पाओगे। अब देखो मेरे पास तो गन स्किन नहीं है, मुझे पता है आप में से ज्यादातर बंदों के पास मैक 7 का गन स्किन नहीं होगा, बट आप लोगों को शॉर्ट गन चलाना मतलब अच्छा लगता है तो गाइस आप लोग जरूर से मैक 7 यूज कर सकते हो। इसमें काफी ज्यादा अच्छा खासा मतलब बुलेट भी होता है तो गाइस आप लोग फटाफट मतलब स्पैम करके इजीली मार पाओगे, हेडशॉट भी कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा मिड रेंज में जाओगे तब भी गाइस इसमें मतलब डैमेज लग जाता है अच्छा खासा, तो गाइस आप लोग जरूर से मैक 7 का भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग ज्यादा शॉर्ट रेंज में खेलते हो तो। और गाइस तो अगर आप लोग ये गन चलाना है ना तो इसके साथ गाइस आप लोग हाथ तो ले सकते हो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में, हाथ तो जोता ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। और गाइस आप लोग एक्टिव स्किल में गाइस आप लोगों को वुकोंग रखना है। जो थर्ड नंबर पे गन आता है वो है MP5 लेवल 3। MP5 को गाइस आप लोग लेवल 3 कर दो और देखो गाइस ओनली रेड डेड ही पड़ेगा, मतलब अभी अपडेट के बाद इतना ज्यादा ओपी कर दिया है ना MP5 लेवल 3 को, आप लोग जरूर से यूज करो। मतलब ओनली रेड डेड पड़ता है भाई, आप लोग चुटकियों में एनिमी को खत्म कर सकते हो। तो गाइस देखो अगर आप लोग ज्यादा मिड रेंज में खेलते हो ना तो MP5 को आप लोग लेवल 3 करके चलाओ गाइस, आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट गन होगा। और उसके साथ गाइस आप लोगों को लॉन्ग रेंज में कोई भी अपना पसंदीदा गन रखना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर पे जो गन आता है ना वो है PC प्लेयर का क्रश और जो जो वन टैप खेलते हैं उनका गाइस क्रश, वो है वुडपेकर। अब वुडपेकर कितना ज्यादा ओपी है मेरे को तो बताने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अच्छा खेलते हो तो गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में भी वन टैप दे दोगे, मिड रेंज में भी दे दोगे और लॉन्ग रेंज में तो दे ही दोगे। आप लोगों को सिर्फ हेडशॉट कनेक्ट करना है। बॉडी शॉट अगर आप लोग बॉडी शॉट से खेलना चाहते हो तब ये गन आप लोग के लिए उतना भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, तब गाइस आप लोग ग्रोजा या फिर मतलब पैराफिल के लिए जा सकते हो। बट अगर आप लोग वन टैप खेलना है, एक ही गोली में एनिमी को नॉक करना है, ओनली हेडशॉट का खेलना है, तब वुडपेकर के आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट गन होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा गन है और मेरे को गाइस पर्सनली AC-80 ड्रैगनोव इन सबसे ज्यादा अच्छा वुडपेकर ही लगता है क्योंकि गाइस मतलब एक्यूरेसी अच्छा होता है वुडपेकर का, मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को इन तीनों वन टैप गन में से कौन सा गन ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और गाइस अभी बात कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर पे जो गन आता है, आप लोग गाइस मेरे को कमेंट में बता दो कि कौन सा गन मैं आप लोगों को बोलूंगा, फटाफट गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, आप लोग गेस कर लो। सो गाइस तो मैं आप लोगों को बता देता हूं फर्स्ट नंबर पे जो गन आता है ना वो गाइस है M1014 लेवल 3। गाइस ये जो गन है M1014 लेवल 3 इसको गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में इतना ज्यादा बवाल चला पाओगे ना, और थोड़ा सा अगर मिड रेंज में जाओगे तब भी गाइस इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है। आप लोग M1014 ले लें फिर गाइस आप लोगों को पैसे सेव करना है, फिर इसको लेवल 3 कर दो भाई, बहुत ही ज्यादा डेडली चलेगा शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में। और इसके साथ गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज में कोई सा भी मतलब वुडपेकर ले सकते हो या फिर गाइस आप लोग UMP भी ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो गाइस देखो ये जो कैडा कॉम्बिनेशन मतलब ये जो गन कॉम्बिनेशन था गाइस सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया फर्स्ट टू लास्ट तक क्या क्या गन कॉम्बिनेशन है। आप लोग गाइस अपने रिक्वायरमेंट्स को देख के गाइस आप लोग गन सिलेक्ट कर लो। अगर आपके पास स्किन है तब गाइस आप लोग कौन सा गन ले सकते हो, अगर आपके पास कोई भी स्किन नहीं है तब गाइस आप लोग कौन सा गन ले सकते हो। मैंने गाइस आप लोगों को सब कुछ बता दिया कौन सा रेंज में गाइस आप लोग कौन सा गन लेना है, A to Z गाइस मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और इन सब गन में से आपका कौन सा फेवरेट गन है वो भी गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो गाइस फटाफट लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर दो। अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर दो, यार मैं कितना बार बोलता हूं प्लीज शेयर कर दो। और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस जाओ यार फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो। और गाइस देखो अगर आप लोगों को फुल मैम में सोलो रैंक बूस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को क्लैश स्क्वाड रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेल के भुया लेना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।